नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ खुशहाल होगा। डियर, आज हम बात करेंगे संविधान के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये एक ऐसा टॉपिक है, संविधान आपको बता दें कि प्रत्येक एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं कम्पिटिटिव लेवल का, तो वहां पर संविधान से प्रश्नों का बनना तय है, ये आपको शिद्दत से पता होना चाहिए। संविधान एक ऐसा टॉपिक है भारतीय संविधान जिससे 2-4-6 प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। आप भारत में रहकर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो IAS PCS हो या UP SSSC के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम आप देने जा रहे हैं डियर, तो आपको यहां से 2-4 नंबर का गेम मिलना तय है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करें, बिल्कुल शिद्दत से देखें। पहली बार पर अगर आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 6, 7, 4 या 5? तो ये प्रारंभ की बात कर रहा है, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, बनकर लागू हुआ, तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो 7 दिए गए थे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो केवल 6 हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था डियर, उसे हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं, और संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब जो है इसे महज एक कानूनी अधिकार माना गया है, और ये अब आर्टिकल 300A के अंतर्गत जो है इसको निहित कर दिया गया है। आर्टिकल 301A में ये दर्ज है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल और केवल एक कानूनी अधिकार है डियर। तो ये था इस प्रश्न के बारे में। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी अथवा मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो मूल अधिकार जो दर्ज है डियर, वो भाग 3 में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जो है मुहैया कराता है, कुछ विधि शक्ति देता है। अगर आप मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, कोई इसकी खिलाफत कर रहा है, कोई इसे हटाना चाहता है, तो आप इसके खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकते हैं डियर। आपके मूल अधिकारों का कोई हनन नहीं कर पाएगा, ये संविधान में साफ साफ लिखित वर्णित है डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा अंत तक। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 18, 19 से 22, 23 से 28 या 29 से 50? तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रताएं हैं, मैं आपको बता दूं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता निहित है, और ये आर्टिकल 19 से 22 में दी गई है। और इसमें जो स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों की स्वतंत्रता है, अपने व्यवसाय को स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ऐसे ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को दी गई है डियर। तो इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? वही प्रश्न आ गया, मैं आपको बताया हूं कि अगर कोई मूल अधिकारों का आपके हनन कर रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किस धारा के अनुसार आप जा सकते हैं, क्या धारा 32, धारा 28, धारा 29 या धारा 31? तो आप धारा 32 के तहत जो है सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, 71, 72, 75 या 76 में? तो बता दें डियर, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब हमारा मूलभूत संविधान था, यानी कि जो पूर्वत संविधान था, जो पहले का संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे डियर। ये मूल संविधान था, और उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे जो है मूल संविधान में नहीं थे। बाद में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर आर्टिकल 51A में मूल अधिकारों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अभी आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ दिया गया था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? डियर प्रश्न में थोड़ा क्रिटिकल है, समझिएगा। जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे तब तो मौलिक कर्तव्य 10 ही शामिल किए गए थे डियर। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1976 में मौलिक कर्तव्य मात्र 10 थे, लेकिन सन 2002 में जब 82वां संविधान संशोधन हुआ डियर, 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट, तो उस समय जो है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 2002 में हुआ था, ये भी आप नोट कर लीजिए। और जब 11वां जोड़ दिया गया तो 11वां जो था वो प्रत्येक जो अभिभावक का फर्ज था कि प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकारी प्राइमरी स्कूल में बेसिक शिक्षा मुहैया कराएगा, ये उसका फर्ज होगा, ये जोड़ दिया गया। तो प्रश्न पूछा था कि शामिल किए गए थे, तो आप मारेंगे बी ऑप्शन, 10 शामिल किए गए थे। अगर वर्तमान में पूछ लेता तो आप 11 मारते डियर। प्रश्नों को शिद्दत से समझिएगा, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल महीन एकदम अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो जो नीति निर्देशक तत्व है डियर, ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। बता दें यहीं से राष्ट्रपति के और या उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रणाली है डियर, वो भी आयरलैंड से ही ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं डियर, ये राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं और राज्य सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो लागू कर सकती है, ना चाहे तो लागू नहीं कर सकती। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकते। तो नोट रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ये आयरलैंड से लिए गए हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्न में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो जो राज्य भारतीय संविधान का चौथा भाग है डियर, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर भाग पहला पूछ लेता तो संघ है डियर, दूसरा राज्य, पहला जो है संघ से है, दूसरा राज्य, पहला जो है संघ और राज्य दोनों से है डियर, याद रखिएगा। पहले भाग में संघ और राज्य हैं, दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है और तीसरे में मौलिक अधिकार है और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चारे ऑप्शन, उम्मीद करता हूं चारों आपको क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन धारा में हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर या 4 महीनों के भीतर? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात है, इसकी घोषणा जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जानी चाहिए, वो 1 माह के भीतर होनी चाहिए डियर। 1 माह, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह सचिव? तो भारतीय संविधान का कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या संघ पालिका हो, कोई भी पालिका हो, उसका जो मुख्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति होते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, तीनों का जो मुखिया है वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 16, 10, 12 या 14? तो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद के दोनों सदन, यहां लिखा है, तो कुल होंगे 14। अब 12 जो है राज्यसभा में होते हैं और 2 लोकसभा में होते हैं डियर, तो पूरे 14 सदस्य जो है राष्ट्रपति नामित करता है। मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं, उनका जो अब सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म करने की ओर प्रोसेस चल रहा है। आगे भविष्य में जो 2 लोकसभा के सदस्य एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे, वो बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार इसके लिए जो है कार्यरत है डियर।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो 6 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बता दें राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और इसे जो है उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है डियर, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति देश में नहीं है तो उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद धारण करके उसके जो उसका जो कार्य है वो संचालित करेगा राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, लेकिन 6 महीने के बाद जो है राष्ट्रपति का मनोनयन जरूरी है डियर, उसका चुनाव करवाया जाएगा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संकल्पनीय और अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जिसमें हम और आप लोग भाग नहीं लेते, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए विधायक MLA MP होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शिरकत करते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक निकाय है वो वित्त आयोग है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 280 में निहित किया गया है। अब बात आई है वित्त आयोग की, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, जिनका नाम नंद किशोर सिंह है डियर, तो नोट रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो भारत का जो आकस्मिक निधि का संरक्षक है वो वित्त मंत्री होते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड से? तो जो भारत में संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 21, 30 या 35? तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर राज्यसभा का पदेन सभापति बनना है तो उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसी प्रदेश के जब आप CM का चुनाव करते हैं, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उपराज्य के राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है जी यार, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 330? तो जो चुनाव आयोग है डियर, इसका जो आर्टिकल में निहित है वो 324 में निहित है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय टीम होती है। इस समय वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं और जो 2 सह सदस्य हैं उनमें एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे। अगर पूछ ले कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो आप सुकुमार सेन का नाम भी नोट कर लीजिएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में या उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में या किसी भी फौजदारी अदालत में? तो बता दे डियर, अगर आप उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जज थे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप जो है वकालत भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
42वां संविधान संशोधन, 44वां, 61वां या 53वां संविधान संशोधन। तो जो वोट डालने की आयु थी 21 वर्ष से 18 वर्ष जो की गई वो 61वां संविधान संशोधन था। इसी में जो वोट डालने की मताधिकार की जो उम्र थी उसको 18 वर्ष कर दी गया था। डियर तो नोट रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे डियर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। संविधान में इसमें 500 क्वेश्चन की सीरीज है डियर, फिर कराएंगे आपको। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? 32, 56, 52 या 360। तो डियर जब संवैधानिक प्रश्न में लिखा हो तब आप मारेंगे आर्टिकल 356, क्योंकि संवैधानिक का मतलब है किसी राज्य की जो संवैधानिक संचालन है उस राज्य की जो सरकार है वो विफल है तो वहां पर संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। डियर ये थे आज के कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझाने का मेरा जो तरीका है वो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को जोरदारी के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे जल्द ही हम एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।